हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सुपर टेक में। मैं हूं आपका दोस्त रवीन। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इंटरनेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का अगर आपका अकाउंट है तो आप आईसीआईसीआई बैंक का नेट बैंकिंग ऑनलाइन जो है अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है www.icicibank.com और वेबसाइट आपके पास खुल के आ जाएगी। और यहाँ से आप यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग के ऊपर माउस कर्सर को लेके जाएंगे और यहाँ पे न्यू यूजर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, तो आप इस न्यू यूजर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे आई वांट माय यूजर आईडी पे क्लिक कर लेंगे, यानी कि मुझे अपना यूजर आईडी चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्लिक यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है और अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे कर मोबाइल नंबर एंटर करके गो कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको इतना करना। इसके बाद आपसे डेबिट कार्ड की कुछ डिटेल पूछेगा, यानी कि कैप्चा सिक्योरिटी रीजन के वजह से। तो आप यहां पे अपने एटीएम कार्ड के पीछे जो नंबर्स हैं EHJ जो भी आपसे मांगेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे फिल कर लेंगे। तो दोस्तों, यहां पे इसको मैं फिल कर लेता हूं और यहां से इसको नीचे से गो कर लेता हूं। फ्रेंड्स, यहां से मैंने फिल कर लिया, आप देख सकते हैं। और यहां नीचे से मैं इसको गो पे क्लिक कर लेता हूं। आप इस तरीके से कर लेंगे। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका यूजर आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सक्सेसफुली सेंड कर दिया है। अब आपको नीड टू लॉग इन पासवर्ड पे क्लिक करना है। आप थर्ड नंबर पे सबसे लास्ट देखेंगे, यानी कि यूजर नेम आपके पास चुका है। अब आपको पासवर्ड की नीड है, तो आप देख सकते हैं यहां पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं यहां पे आपको अपना यूजर आईडी डालना है और यहां पे आपको गो पे क्लिक कर लेना है। तो हम यहाँ पे गो पे क्लिक कर लेंगे। आप भी यहाँ से गो पे क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद बोलेगा कि आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद गो कर लीजिए। तो मैं यहाँ से एंटर करने के बाद गो कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास यूजर नेम आ चुका है। अब आपके पास एक OTP आया होगा आपके फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में। तो आप OTP डाल के उसको गो कर लेंगे और OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, न्यू पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लीजिए और सेम टू सेम आपको ऊपर का नीचे पासवर्ड डाल लेना है और इसको गो करना है। फ्रेंड्स, गो करने के बाद आपको यहां पे देख सकते हैं सक्सेसफुली आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो चुका है। अब आप यहां से डायरेक्टली इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करके दिखा देता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप जो है दूसरी अगर मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो आई बैंकिंग जो आईसीआईसीआई बैंक का एप्लीकेशन है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप उससे भी अपना जो है क्रिएट कर सकते हैं। आई बटन पे ऊपर लिंक दे दूंगा, क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी या फिर जीमेल एड्रेस मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा चेंज करने का, एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एडिट नहीं करूँगा, चेंज कुछ भी नहीं करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। आप चाहे तो यूज़र आईडी कुछ और रख सकते हैं अपने हिसाब से। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है और इस तरीके से आप अपने अकाउंट को जो है इंटरनेट बैंकिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा आपको वीडियो लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।